नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज और यूपी की राजधानी लखनऊ में जिस प्रकार से लड़कियों की सुरक्षा के दावे करने वाली केंद्र व प्रदेश की सरकार के सारे वादे झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों राजधानी में पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी के साथ बदतमीजी और गाली गलौज की घटना सामने आई है, उससे सवालिया निशान तो खड़े होते हैं, जिस पर महिला खिलाड़ी ने डॉक्टर पीयूष गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें, वर्तिका सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति स्वर्ण पदक द्वारा सम्मानित व दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रही हैं। इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली महिला खिलाड़ी वर्तिका ने सोमवार को राजधानी स्थित जीपीओ पर धरना प्रदर्शन किया। वर्तिका ने कहा कि यह मेरी लड़ाई नहीं है बल्कि समाज की हर लड़की की है, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब गुने को सजा नहीं मिली तो वह विशाल धरना प्रदर्शन करेंगी। इस मामले में वर्तिका सिंह ने बताया कि उनकी सारी रिपोर्ट बदल दी गई थी, जिस पर अपराधी को सजा दिलाने के लिए सीएम से मुलाकात भी कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अपराधी खुला घूम रहा है। तो ऐसे में समाज की लड़कियां कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वर्तिका सिंह के साथ बीते 29 अप्रैल को मारपीट की गई थी। मामले में अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ने आरोप पीजीआई के डॉक्टर पीयूष गुप्ता पर लगाया था। उनका यह भी आरोप था, मारते समय डॉक्टर पीयूष गुप्ता नशे में थे। उनके पुलिस ने उनका मेडिकल रिपोर्ट बदलवा दिया और उनके ऊपर समझौते का दबाव भी डाला। वहीं इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा होता है कि जब वर्तिका ने महिला हेल्पलाइन 1090 पर फोन किया तो शिकायत की, तो उन्हें अपने स्थानीय जिले में जाकर शिकायत करने के लिए बोला गया। आप देख रहे हैं लखनऊ से सबसे तेज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। मेरा नाम वर्तिका सिंह है, मैं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ और साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वीमेन के लिए खाता अध्यक्ष। यहाँ पे आप क्यों आई है प्रदर्शन? यहाँ पे सर मैं धरना प्रदर्शन इसलिए करने आई हूँ, हमारी समाज में जो महिलाएं हैं वो असुरक्षित है और नारी के सम्मान के लिए, ये पूरे देश की लड़कियों की बात है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि हमारे समाज में लड़कियों को जो न्याय मिल सके। क्योंकि मेरा एक केस सीबीआई का हुआ था और अभी तक कुछ भी उसमें नहीं हुआ, जबकि डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए गाली दिया, गाली देने के बाद भी उनका पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट चेंज कर दिया गया, जबकि वहाँ पे 100 नंबर का कॉल किया तो आपकी कॉल जो है 100 नंबर से मिलती नहीं है, 109 जो कि महिला सुरक्षा के लिए दिया गया है और उससे कॉल करो तो उससे बोला जाता है कि मैडम आप जो है वहाँ से बिलोंग करती हैं प्रतापगढ़ से, तो वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट दर्ज कराइए, जबकि अगर सुरक्षा के लिए या तो इसको आप बंद कर दीजिए या फिर चलाइए, तो उसका एक मुहिम होना चाहिए कि लड़कियों अगर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है तो किस प्रकार का वो 1090 है। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारे देश की किसी बात मेरी नहीं है, बात मैंने प्रधानमंत्री सर को मैंने पत्र भी लिखा, साथ में सीएम सर को माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको मैंने उनसे जाके मुलाकात किया, मैंने बताया कि सर हमारे उत्तर प्रदेश की लड़कियाँ सुरक्षित हैं, प्लीज इनको इनकी सेफ्टी के लिए आपने आप लोगों ने जैसा बोला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए, साथ में लड़कियाँ सुरक्षित रह सकती। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या करना? मैं उम्मीद करती हूँ समाज से, देश के सभी लोगों से कि ये मांगे हमारी पूरी हो, जिससे हमारे देश की सभी लड़कियों को न्याय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।